हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोग सुस्त हो, दुरुस्त हो। और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है WDG3A को पेंट करना। इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने बताया था WDG3A का एक न्यू मॉडल आ रहा है। उसी के साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि इसका पेंट वर्क वाला वीडियो भी आएगा। ये लोकोमोटिव का पेंट वर्क बहुत मज़ेदार भी था लेकिन ट्रिकी भी था, लेकिन लास्ट का रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा। और फिर इसी के साथ साथ आज के वीडियो का इंट्रो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और क्या इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने लोकोमोटिव का बॉडी शेल को ले लिया है, और हाँ, ये लोकोमोटिव का बॉडी शेल इसके चेसिस से सेपरेट हो सकता है। अभी के लिए ये सेपरेट ओपनेबल है, और बाद में जाके मैं इसके बॉडी शेल को चेसिस के साथ स्टिक कर दूंगा। तो चारों साइड से मैं आप लोग को बॉडी शेल दिखा देता हूँ, और इसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका चेसिस। तो इधर आप लोग देख सकते हो मैंने ले लिया है इसका चेसिस, और चेसिस का पेंट वर्क में कुछ नहीं है, बस ब्लैक पेंट करना है, और मैंने सामने के हुड को रेड पेंट कर दिया है। तो इसके बाद चलते हैं लोकोमोटिव के बॉडी शेल को पेंट करने का। तो लोकोमोटिव का लिवरी कुछ इस तरह का होने वाला है, ऑरेंज कलर का है और बीच में दो लाइट येलो स्ट्रिप्स है। उसी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पेंट दिखा देता हूँ। इधर मैंने एब्रो ब्रांड का येलो स्प्रे पेंट लिया है, और बाजू में इसी सेम ब्रांड का वाइट स्प्रे पेंट भी लिया है। तो पहले मैं एल्को लोकोमोटिव को येलो पेंट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर ये एल्को लोकोमोटिव है, तो मास्किंग करने का कुछ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा। सिंपली मैंने बस एक येल्लो स्प्रे पेंट के दो कोटिंग मार दिए, और उसके बाद देख सकते हो कि ये जो येल्लो कलर है तो रियल वर्ल्ड के साथ इसका कलर टोन मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो स्ट्रिप का कलर होने वाला है वो थोड़ा और लाइट है, तो इसको और थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने एक आइडिया लगाया कि इसके ऊपर एक वाइट स्प्रे पेंट का एक कोटिंग मार देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये येल्लो कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। और एक्चुअली हुआ ये कि मेरे को कोई भी शॉप में लाइट येल्लो कलर का स्प्रे पेंट नहीं मिला, और ना ही बटर कलर का कोई स्प्रे पेंट मिला, इसलिए मैंने ये आइडिया लगाया है। अभी मेरे को करना ये है कि इसके ऊपर मेरे को दो पतले पतले मास्किंग टेप के स्ट्रिप लगाने हैं, ताकि ये जो बटर कलर का एरिया है वो ढक जाए। फिर उसके ऊपर मेरे को ऑरेंज स्प्रे पेंट करना है। उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट कर लिए हैं पेंसिल से, तो इधर मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा कि दो स्ट्रिप के बीच में इतना गैप रहना चाहिए, फिर स्ट्रिप का हाइट इतने में रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पेंसिल से थोड़ा सा पॉइंट आउट ऐसा कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप को 2 mm के थिकनेस में काट लिया है, और मैं एकदम ध्यान से ये स्ट्रिप को इस एरिया में स्ट्रेटली चिपका रहा हूँ। बस ये चिपकाते टाइम मेरे को वो एक ही बात मेरे को बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि टेप एकदम स्ट्रेट लाइन में चिपके, ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट काम था इस स्ट्रिप को चिपकाते टाइम। तो मैं फटाफट से इन टेप को अच्छे से एकदम स्ट्रेटली चिपका लेता हूँ। तब तक आप लोग आराम से बैठ के वीडियो को देख लीजिए, और अगर वीडियो देखते देखते थोड़ा बोर हो गए तो एक लाइक दबा दीजिए, बस एक क्लिक ही करना है। तो इससे क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा। तो अभी टेप चिपकाते चिपकाते मेरे को एक बात याद आया। पता है मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये लोकोमोटिव का शेड कौन सा होने वाला है, और आप लोग गेस करके बताओ। तो उसमें से मैं आप लोग को आंसर बोल ही देता हूँ, ये लोकोमोटिव का शेड होने वाला है काजीपेट। तो ये काजीपेट लोको शेड साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, और उधर का ही ये लोकोमोटिव बन रहा है। और काजीपेट का WDG3A बनने वाला है, तो इसका नंबर भी मैंने एकदम रियल लोकोमोटिव का ही रखा है। तो इसका नंबर है 13660। तो आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं 13660 WDG3A ये नाम से, तो आप लोग को ये सेम लोकोमोटिव दिख जाएगा। रियल वर्ल्ड में भी वो लोकोमोटिव बिल्कुल यही लिवरी ऐसा है, और मैं भी वही वाला बना रहा हूँ। और अभी आप लोग इंजॉय कीजिए मास्किंग टेप चिपकाने के ऊपर छोटा सा टाइम लैप्स वीडियो, और मैं ज़रा नीचे जाके इसका ऑरेंज स्प्रे पेंट लेके आता हूँ। तो चलिए बाय। और टेप चिपकाने का काम तो यहाँ पे पूरा हो गया, और इधर आप लोग लोकोमोटिव के ये एंगल से देख सकते हो किस तरह से मैंने टेप को चिपकाया है। ये शॉर्ट हुड एंगल से देख लीजिए, और ये रहा लोकोमोटिव का LHF मोड। तो इस एंगल पे भी मैंने टेप को भी बिल्कुल उसी तरह से चिपकाया है। इसके बाद मैं कुछ मास्किंग वगैरह और कहीं पे मास्किंग वगैरह का काम नहीं करूँगा, सीधा करूँगा कैबिन के रूफ को सिल्वर स्प्रे पेंट का।
तो इधर मैंने कैबिन के रूफ को सिल्वर पेंट कर दिया है, तो उसके लिए भी कहीं पे मास्किंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सिंपली मेरे को अभी एक क्या करना है कि ये जो कैबिन के ऊपर वाला जो मैंने पेंट किया है, सिर्फ कैबिन वाला हिस्सा, तो उतना वाला पार्ट ही मेरे को मास्किंग करके ढकना है, बाकी और कहीं भी कवर नहीं करने का है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने कैबिन के ऊपर वाले एरिया को, जो रूफ है सिल्वर पेंट जहाँ पे था, उधर के पार्ट को ही सिर्फ मैंने मास्किंग किया है, बाकी सब जगह से ओपन है। तो क्या होगा कि ये जो सिल्वर कलर है और बटर कलर है, ये दोनों कलर तो लाइट है, जब इसके ऊपर ऑरेंज स्प्रे पेंट आएगा तो ये दो कलर को ढक देगा और ऊपर क्या दिखेगा, सिर्फ ऑरेंज पेंट। तो मैंने इधर डायरेक्टली अपना काम शुरू किया है ऑरेंज स्प्रे को लेकर, और इधर भी मैंने एब्रो ब्रांड का ही स्प्रे पेंट यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज स्प्रे का फर्स्ट कोटिंग लगा दिया है, हल्का सा इस कोटिंग मारा है, ज़्यादा पेंट नहीं लगाया, और उसके आधे घंटे बाद मैंने किया है वही ऑरेंज स्प्रे पेंट का सेकेंड कोटिंग। अभी इधर आप लोग देख सकते हो पेंट वर्क के बाद लोकोमोटिव कितना प्यारा दिख रहा है। अभी काम ये करना है कि इसको 10 आवर्स के लिए सूखने के लिए रखना है, फिर अनमास्किंग का काम करना है। उसी के बीच मैंने यहाँ पे ब्लैक स्प्रे पेंट से थोड़ा स्मोक का इफेक्ट भी दे दिया है। तो 10 घंटे बीत जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोकोमोटिव बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और अभी ये अनमास्किंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने पहले यहाँ पे ले लिया है ये एक ट्वीज़र, अभी ट्वीज़र की मदद से मैं धीरे से टेप्स को निकाल रहा हूँ। टेप्स निकालते टाइम एकदम ध्यान रखना है, हल्के हाथों से पकड़ना है और एकदम जेंटली आराम से टेप्स को रिमूव करना है। तो इधर टेप के स्ट्रिप को निकालते टाइम काफ़ी मज़ा आ रहा है, और इधर आप लोग देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से पेंट का काम हुआ है, क्योंकि पेंट ऊपर नीचे कहीं भी फैला नहीं है ऑरेंज स्प्रे पेंट। तो बस ये पेंट वर्क के बीच में हम लोग को यही ध्यान देना है कि मॉडल एकदम ठीक से पेंट वर्क के बाद सूखना चाहिए, तभी अनमास्किंग का काम अच्छे से होगा। नहीं तो क्या होगा, पेंट अगर अच्छे से नहीं सूखा रहेगा फिर अनमास्किंग के टाइम पे पेंट निकल के आ सकता है, तो पेंट ऐसा उखड़ता है, तो इस बात का टेंशन रहता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्ट्रिप्स के टेप को भी ओपन कर लिया है, अभी टाइम आ गया है कैबिन के रूफ को अनमास्किंग करने का। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो कैबिन का सिल्वर स्प्रे पेंट किया गया है सिर्फ उतने ही पार्ट को ढकने का है, बाकी जो सिल्वर स्प्रे पेंट बाहर लगा हुआ था तो वो ऑरेंज स्प्रे पेंट ऊपर अप्लाई करने के बाद पूरा कवर हो चुका है। तो इसी तरह का मेरा ये छोटा सा आइडिया था, और अभी आप लोग देख सकते हो जो कैबिन का ही रूफ है सिर्फ उतना वाला पार्ट ही सिल्वर स्प्रे पेंट में लगा हुआ है। बाकी मेरा भी काम उतना ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो शॉर्ट वुड फॉरवर्ड वाला एरिया था उधर स्ट्रिप के आजू बाजू में थोड़ा सा पेंट ऊपर नीचे फैल गया था, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक मेरे काम में भी आए थे, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये सब मिस्टेक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग को यही ध्यान रखना है कि पेंट वर्क के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, और पेंट अच्छे से सूखना चाहिए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और ये लोकोमोटिव का लिवरी कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर से बताइए। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वैसे ये मॉडल को मैंने अभी अभी पेंट किया है, ऊपर से तू गंदा मत करना। ओके भाई, ध्यान रखूँगा।